Now let's talk about laws and the government. आपको पता है सरकार कानून बनाती है, गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड everyone who lives in the country, और जो भी उस कंट्री में रह रहा है has to follow these rules. This is the only way government can function. यही एक तरीका है जिससे सरकार function करती है, काम करती है. Just like the government has the power to make decision, जिस तरीके से सरकार के पास एक power होती है decision बनाने की, similarly it has the power to enforce its decision. अपने decisions को मनवाना भी ये भी power उनके पास होती है. For example, there is a law that says, एक law है, कानून है, that all persons driving a motor vehicle must have a license. हम सबको पता है जो भी गाड़ी चला रहे, जो भी व्हीकल आप चला रहे हो उसके लिए लाइसेंस होना बहुत जरूरी है. एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस, अब जो भी इंसान पकड़ा जाएगा जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो ड्राइव कर रहा है बिना लाइसेंस के, कैन ईदर उसको जेल भी हो सकती है और फाइन अ लार्ज सम ऑफ मनी, और उससे पैसे भी लिए जा सकते हैं एज अ फाइन. सो विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज. अगर ये सरकार के पास ये लॉज नहीं पावर होंगे नहीं होंगे तो वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करेगा. In addition to any actions, अब कोई भी actions जो लिए जाते हैं that government can take, there are also steps that people can take. अब लोगों के पास भी एक right है कि हम लोग भी steps ले सकते हैं that a particular law is not being followed, कि ये कानून ठीक तरीके से follow नहीं किया जा रहा है. So if a person feels, for example, that they were not hired for a job, example आप job के लिए जा रहे हो, आपको hire नहीं किया गया क्योंकि आपका religion और caste वो उसके लिए suitable नहीं है, he or she may approach the court. आप कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हो दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड. सो द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन. फिर कोर्ट लॉ ऑर्डर निकालती है कि अब इस पे क्या किया जा सकता है. क्लियर.